हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशंस भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, एक न्यू जॉब की अपडेट लेकर आई हूँ जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है IBPS की तरफ से, कलर की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। ये वैकेंसी के लिए मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही इन्फॉर्म किया था कि 6000 के अप्रॉक्स सीट्स रहेगा, और लीजिए बात मेरी सही निकली, 6000 से भी ज़्यादा, 6128 सीट यहाँ पर आपका रहेगा, मतलब 6128 सीट के लिए भर्ती आ गई है। वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के थ्रू। पोस्ट पहले ही बता दिया कि कलर यानी लिपिक का पद रहेगा। आगे जानेंगे इस पोस्ट के बारे में सारा डिटेल, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, सिलेबस इसका डाउनलोड करना चाहते हैं, दोनों चीज अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए अभी आपको बता दूं कि अप्लाई करने का जो डेट है ऑलरेडी ऑनलाइन हो रहा है कल से, यानी 1 जुलाई से। लास्ट डेट 21 यानी 21 जुलाई रहेगा, लेकिन आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इलिजिबल हो, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर देना, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जब इम्पॉर्टेंट डेट की बात चल ही रही है, तो आपको ये भी बता देती हूँ कि प्री और मेंस का एग्जाम डेट क्या होगा। देखिए 24, 25 और 31 यानी 24, 25 एंड 31 अगस्त को आपका प्री का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मेंस का पेपर 13 अक्टूबर यानी 13 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा। इस वैकेंसी के लिए टोटल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स 11 यानी 11 तरह आपका इसमें बैंक रहने वाला है। अब फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो फी लगता है ना, जनरल OBC EWS से 850 यानी 850 रुपया लिया जाता है। वहीं पर SC ST कैंडिडेट एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन से 175 यानी 175 रुपीज़ लिया जाता है। देख लेते हैं आपकी उम्र की क्या सीमा रहेगी, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि एज ऑन किस डेट आपका एज कैलकुलेट होगा। एज ऑन 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 के अनुसार 20 वर्ष से 28 वर्ष के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ उम्र सीमा में जो अपर एज होता है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। OBC को 3 ईयर्स यानी कि 3 वर्ष का और SC ST को 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष का। तो ये बेसिक डिटेल थी। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, डजंट मैटर कि ग्रेजुएशन में आपका आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, या फिर आपका क्या परसेंटेज है, कुछ मैटर नहीं करता है, सिर्फ ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज का एग्जाम क्लियर करो और आपका सिलेक्शन हो जाता है। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ज्वाइनिंग लेटर भी सेंड कर दिया जाएगा। पहला स्टेज प्रीलिम्स एग्जाम, देन आपका मेंस एग्जाम होगा। तो चलिए अभी हम लोग प्री और मेंस के जो डिटेल्स है एग्जाम पैटर्न उसको क्लियरली अच्छे से समझ लेते हैं। आपका जो बैंकिंग का एग्जाम होता है मोस्टली उसमें क्या होता है, सेक्शन वाइज टाइमिंग होता है। तो दोनों ही प्री और मेंस के लिए सारा कुछ अच्छे से बताऊंगी। देखिए प्री का एग्जाम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, 100 क्वेश्चंस के लिए होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब कि पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। समय 60 मिनट यानी कि 1 आवर का पेपर होता है, और इसके लिए निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब सब्जेक्ट वाइज बता दूं आपको, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स और टाइमिंग 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट के लिए इंग्लिश का सेक्शनल टाइमिंग है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए। मैथमेटिक्स का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए एंड 20 मिनट्स की टाइमिंग इसके मैथ्स के लिए रहेगा। देखिए बेसिकली 60 मिनट का समय है, तीनों सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट का डिवाइड कर दिया गया है। रीजनिंग के लिए भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए एंड 20 मिनट्स की टाइमिंग है। सो दिस इज योर प्री का एग्जाम पैटर्न। प्री को क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा अक्टूबर में। तो मेंस भी आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है।
190 क्वेश्चंस के लिए, मैक्सिमम 200 मार्क्स के लिए, 190 प्रश्न 200 नंबर के लिए। समय की बात करें तो 160 मिनट का आपका पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। सब्जेक्ट वाइज बता दूं, देखिए यहाँ पर भी आपको सेक्शनल टाइमिंग सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। पहला सब्जेक्ट जनरल या फिनेंशियल अवेयरनेस है, इसका आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए रहेगा और समय 35 मिनट का यानी 35 मिनट्स का होगा। सेकेंड सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, इसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए एंड फ्रेंड्स इसका भी सेक्शनल टाइमिंग आपका 35 मिनट्स होगा। थर्ड सब्जेक्ट है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके आपको 50 क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम 60 मार्क्स और टाइमिंग 45 यानी कि 45 मिनट का। लास्टली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स एंड 45 मिनट, मतलब कि रीजनिंग कंप्यूटर और जो मैथ का होगा ये सब दोनों का रहेगा 45-45 मिनट का। ऊपर देखिए जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का 35-35 मिनट रहेगा। तो टोटल आपका 160 मिनट का पेपर होगा। बाकी आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस में क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। पर आपका जो मेरिट बनता है ना वो मेंस के स्कोर के बेसिस पर होता है। ये बस क्वालिफाइंग होता है कि इसमें पास करिएगा तब मेंस के एग्जाम में बैठेंगे। मेंस में जब क्वालिफाई करेंगे तो मेरिट जब बनेगा ना तो मेंस के स्कोर पर बनेगा। साथ ही साथ बहुत अच्छी खुशखबरी ये भी है कि इसके लिए ज्वाइनिंग आपको फरवरी 2025 तक करा दिया जाएगा। इसका बहुत फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यहाँ पर सीट भी 6128 निकल के आया है। आई नो कि आप तैयारी कर रहे होंगे, बट तैयारी कर रहे हैं उसको एक अच्छे वे में लेके चलिए। प्रीवियस ईयर के सेट लगाते रहिए, उससे आपको ये इवेल्युएशन होते रहेगा कि आप कहाँ पर छूट रहे हो। बेसिकली क्या आपका वीक सेक्शन है, क्या आपका स्ट्रांग पोर्शन है, तो उस पर अच्छे से वर्क करिए, मॉडल पेपर वगैरह बनाइए। और आपको पता है कि अगस्त में पेपर है यानी कि नेक्स्ट मंथ, तो तैयारी की स्पीड को करिए, तभी जाके आपको जो सैलरी मिलती है 29,450 रुपीज यानी 30,000 से शुरुआत होती है और 47,920 यानी 47,920। तो ये सैलरी लेने के लिए आपको मेहनत करना होगा और अपॉर्चुनिटी तो अच्छी आई है। आई नो कि इसके बारे में अभी आप सारा डिटेल समझ गए होंगे इस पोस्ट से रिलेटेड। और भी कुछ जानना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो मेरे टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। वैसे वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो एक लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइए ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।